हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित व्लॉग्स। और आज जो हम जा रहे हैं वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी में मोस्टली मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरी जो लेफ्ट टायर है, बैक साइड का लेफ्ट टायर जो है वो कंटिन्यूसली खा रही थी। ये मारुति सुजुकी अर्टिगा है जिसमें जनरली काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जो टायर है बैक साइड का लेफ्ट का, वो टायर खा रही है गाड़ी काफ़ी टाइम से। तो अभी जो मुझे किसी ने बताया, मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी भी सेम प्रॉब्लम ये थी। उसने मुझे बोला कि एक यहाँ पर एक शॉप है महिपालपुर दिल्ली में, तो वहाँ पर एक टायर वाला है जो टायर की सेटिंग करता है, ड्रम खोलता है, ड्रम खोल करके उसमें एक वार्सल होती है वो डालता है। तो अभी जो मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको दिखाऊँगा अभी जो भी जिनके पास भी अर्टिगा है 2020 मॉडल, न्यू मॉडल जो आई है अर्टिगा, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी टाइम से। लोगों ने पहले भी मुझे बोला, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरी जो गाड़ी थी वो पूरा टायर खा गई लगभग पूरा, और एक साइड से बिल्कुल ठीक है, राइट साइड से जो लेफ्ट टायर है वो ज़्यादा खा रही है। तो मैं काफ़ी टाइम से परेशान था, तो मुझे लगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अब ऐसे ही चलानी पड़ेगी। मैंने शोकर भी चेंज कराया था इसका, शोकर चेंज कराने के बाद भी कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला, सेम प्रॉब्लम अगेन मुझे फेस करने को पड़ी। तो मुझे लगा शायद अब ये नहीं हो पाएगा, ऐसे ही गाड़ी को चलाना पड़ेगा, टायर चेंज करने पड़ेंगे हर 70-80 किलोमीटर पे। तो मेरी जो गाड़ी थी 80,000 किलोमीटर चली थी स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि फिर मेरी गाड़ी 50-60 हज़ार चली तो एक टायर खा गई। पहले कन्नी एक साइड से गुड्डी खाई, उसने गुड्डी खाने के बाद जो दूसरी साइड से वो खाने लगी, मैंने कहा यार प्रॉब्लम हो गई है, ये टायर चेंज कराना पड़ेगा। वो टायर मैंने रिप्लेस किया, टायर इस पर आगे के टायर पीछे करे, सेम प्रॉब्लम अगेन वो टायर खा गए। मेरा जो राइट का टायर था वो ठीक है बिल्कुल, और जो लेफ्ट का टायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा सा लंबी ड्राइव करके आ रहा हूँ, तो अब उसी साइड से उससे मेरी बात हुई है, और लोकेशन मंगाई है मैंने उस बंदे से, महिपालपुर दिल्ली एयरपोर्ट के पास है, तो अब वहीं जा रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ये दिल्ली की कि ट्रैफिक लग जाए, पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक लग रहा है, वो कहीं ट्रैफिक नहीं था, यहाँ से उम्मीद नहीं होती ट्रैफिक की, और यहीं ट्रैफिक ज़्यादा लगा हुआ है, वैसे इतने थके हुए हैं, और अब ये जैम ट्रैफिक का। तो अब देखते हैं, स्लोली स्लोली मैं वहीं से निकल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जाम से तो मैं निकल गया हूँ ऑलमोस्ट, यहाँ से ये लेफ्ट टर्न है, यहाँ से टर्न लेके जो मैप पे दिखा रहा है वो यही रूट दिखा रहा है। तो अब यहाँ से चलना है मुझे नीचे की तरफ, करीब 2 किलोमीटर अभी यहाँ से बाकी है, तो वहाँ शॉप पर जाकर मैं उनके जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा शॉर्ट में वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ, रास्ता बहुत ख़राब है, कोई जगह नहीं है, तो जैसे जैसे करके गाड़ी घुसेड़ी है, तो मेरा चेहरा नहीं आ रहा होगा, गाड़ी घुसेड़ी है, आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ ये क्या शॉप है, कैसा है, राज टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, यहीं पर जो है गाड़ी का जो टायर है वो खुलेगा, अब चेक करेंगे, यही है भैया वो, ये रे, देखते हैं क्या होता है। गाड़ी का जो भी टायर है, ये पूरा टायर था, पूरी खा गई टायर, ये टायर पूरा खा गई है लगभग, और दूसरा टायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा टायर है, फिर भी मतलब ये काफ़ी बच रहा है, ये काफ़ी हद तक कवर है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो वाला टायर ज़्यादा खा गई है। अब वो ये रेजोल्यूशन निकाल लेंगे क्या है, क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। टायर खुलने हो गए शुरू भाई, टायर खोलेंगे दोनों में दिक्कत बताइए, मेरे टायरों में दोनों ही टायर खुलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज अब हमारा जो गाड़ी का ड्रम था वो खुल गया है, अब जो भी है चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले की अर्टिगा थी, जो पहले वाला मॉडल था अर्टिगा में, उसमें जो ड्रम के जो बोल्ट्स होते थे, जो स्क्रू होते थे, वो बाहर की तरफ होते थे, अब जो है इसमें अंदर की तरफ देते हैं, थोड़ा चेंजेस आ गया है, तो वही भी चीज़ बोल रहे हैं। तो पहले बाहर था, अब अंदर, वो अंदर आपको दिख रहा होगा गोल्ड कलर का एक स्क्रू दिख रहा होगा शाइनिंग से, वो स्क्रू खुलेगा, और वो वाला स्क्रू खुलने के बाद ही वो ड्रम थोड़ा सा लूज़ होगा, तो उसी को खोलेंगे। पहले चीज़ें आसान थी, अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कर दी गई हैं, क्योंकि चीज़ें इसलिए डिफ़िकल्ट हो गई हैं
क्योंकि हर मॉडल में जो चेंज होते हैं वो गाड़ी वाइज ईयर वाइज चेंज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने इसमें जो चेंज किए हैं वो स्क्रू का चेंज यहाँ पे ड्रम में इनको उन्होंने बोला है कि ड्रम में थोड़ा सा चेंज आया है। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है। जो स्क्रू था वो खोल रहे हैं भैया, स्क्रू खोलेंगे, चारों स्क्रू या पाँचों स्क्रू लूज होंगे। धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब जो है भैया वार्सल लेके आए हैं, यहाँ पर वार्सल जो लगेगी वो यही है। देखो देखिए कैसे यहाँ पर वार्सल लग रही है, ये लूज़ हुआ है ड्रम, ड्रम के आगे ये वार्सल लगी है। वार्सल लगने के बाद इसी के अंदर बोल्ट जो है कस जाएगा, तो जो ड्रम था हल्का सा उसका थोड़ा सा जो एंगल था वो चेंज हो गया, क्योंकि पहले स्ट्रेट था अब थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया। और ये करना पड़ेगा क्योंकि जो टायर खा रही है, जो नए अर्टिगा टायर खा रही है, वो इसी वजह से खा रही है सबसे ज़्यादा। लेफ्ट का बैक टायर की प्रॉब्लम ही सबसे आ रही है, क्योंकि मैंने सारी जगह कंफर्म किया है, सब जगह भी गाड़ी वालों से कंफर्म किया, जिन्होंने भी बताया वो यही बताया कि लेफ्ट साइड बैक साइड का ही टायर खाती है। तो इसमें जो वार्सल है वो पीछे की साइड वार्सल लगती है ड्रम में नीचे, इससे क्या होता है कि हल्का सा गैप आ जाता है, जो अंदर से गाड़ी की गुड्डी खाती है वो गुड्डी खानी बंद हो जाती है, जो टायर है वो प्रॉपर लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो अब ये वार्सल लगने के बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी टायर खा रही है नहीं खा रही है, क्योंकि अभी तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो निकल के आएगी करीब 400 500 600 किलोमीटर के बाद ही पता लगेगा टायर का। और भैया ने ये भी बोला कि टायर इसमें नहीं डल नए डलने पड़ेंगे, या अगर नहीं नए लेने तो पुराने टायर ले लो किसी से, ऐसे टायर जिनमें थोड़ी सी गुड्डी बची हो, और जो टायर घिस रहे हैं उसका पता लग जाए। तो अभी जो जाऊंगा अभी फ़िलहाल ये करा लेता हूँ, उसके बाद टायर लेने हैं। टायर लेने के बाद इसमें पता लगेगा कि गुड्डी कितनी खाई है, खा रही है नहीं खा रही है, बाकी की वीडियो भी तभी बता पाऊँगा कि हाँ जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको दे पाऊँगा। बट ऑलमोस्ट सभी दोस्तों ने, मेरे सारे दोस्तों ने यही बोला है कि जो टायर था वो 100% काम करता है, बिल्कुल खाना बंद हो जाता है आफ्टर दिस वार्सल। सो ये देखिए वार्सल लगाई है और पूरा फिक्स करके ये सेटअप चलेगा। तो दोस्तों ने जैसे बताया कि कोई दिक्कत नहीं आती, टायर खाना बिल्कुल बंद हो जाते हैं गाड़ी के, तो सेम यही चीज़ फॉलो मैंने कराई है। अब जैसा भी है कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, बहुत थोड़े से पैसे लेते हैं भैया और ये काम कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मेन बात ये है कि आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन है, क्योंकि नए नए टायर होते हैं जल्दी खा रही है गाड़ी, और 4000 8000 का पैर आता है टायर का, ठीक है। अब देखते हैं टायर में क्या प्रॉब्लम थी। ये वार्सल आपको दिख रही होगी, लग गई है, दो वार्सल इन्होंने लगाई है यहाँ पे सेट करने के लिए इसको, ताकि ये प्रॉपर आ जाए। एक इस साइड लगी है, एक उस साइड वार्सल लगी है, ठीक है। तो अगर ऊपर भी लगाएंगे तो फिर से वही लेवल आ जाएगा, तो इसलिए नीचे की तरफ दो लगाई हैं, और इसका जो फेस था वो हल्का सा लेफ्ट साइड को दब गया है। अब ये टायर जो है वो हो गया टाइट, फिर से स्क्रू टाइट हो गए। सेम जो है सेम उस साइड का भी ऐसे होगा, क्योंकि दोनों साइड मेरी खा रही है। मुझे लगा था पहले इस साइड था, फिर भैया ने बोला कि नहीं आपकी इस साइड भी उस साइड भी खा रही है, तो उस साइड का भी करा लेना। तो अब मैं इस साइड वाला करवा रहा हूँ, ये ड्रम इस साइड का भी खुल गया। सेम जो प्रोसीजर था वो सेम फॉलो उस साइड होगा, दोनों जो बोल्ट्स थे ये सारे बोल्ट्स खुलेंगे, बोल्ट्स खुलने के बाद वही सेम प्रोसेस चलेगा, अंदर वार्सल लगेगी दोनों साइड। वार्सल लगने के बाद दोनों टायर का पता लगेगा कि गाड़ी टायर खा रही है नहीं खा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ियाँ चलती बहुत हैं, और चलने की वजह से अब दो साल में 80-85 हज़ार चल गई, वैसे तो कम चली है बट 80-85 हज़ार बहुत होती है दो साल के अंदर। अब वार्सल का काम हमारा पूरा हो गया गाइस, अब ये टायर लगने स्टार्ट हो गए हैं, फिर से वापस से पैक हो रही है। अब टायर लगेंगे, अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलाऊँगा। जो वार्सल थी जो मैंने आपको बताया था वो उन्होंने लगा दी है, तो अब देखते हैं वार्सल लगने के बाद ये दोबारा से टायर खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि जिसने भी बताया वो यही बताया कि टायर खाती नहीं है, वो जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। बट अब देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं खाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खाती है तो वार्सल निकालनी पड़ेगी, फिर कुछ और सोल्यूशन देखना पड़ेगा।
बाकी अभी इन्होंने ये बोला है कि एक बार दोनों टायर डलवा लो, टायर नए टायर होंगे तो पता लगेगा कि गुड्डी खा रही है नहीं खा रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, जो भी रेजोल्यूशन होगा मैं इसको आपको बताऊंगा, नीचे मेंशन करूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट प्लीज़। कोई भी अगर इश्यू आपको भी ये फेस हो रहा है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल शेयर हिज कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।